क्या आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान में सिर्फ बिजली का बिल कम नहीं हो रहा बल्कि सोलर सिस्टम इतना सस्ता हो गया है कि लोग महीने का 10,000 रुपया बचा रहे हैं। अगर आप सोलर लगवाने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके फैसले को पक्का कर देगी। आखिर तक देखिएगा, चूना के रेट्स भी बताऊंगा और आखिर में जबरदस्त मशवरा भी दूंगा जो हजारों रुपए आपके बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में सोलर पैनल की मौजूदा सूरत हाल, ताजा तरीन फी वाट रेट्स और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात में किस किस्म के सोलर पैनल खरीदना फायदेमंद हो सकते हैं। बिजली के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं और फी यूनिट बिजली की कीमत कई इलाकों में 45 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है। ऐसे में सोलर सिस्टम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बनता जा रहा है। पाकिस्तान मार्केट की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान में इस वक्त दो किस्म के लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, वो जो बिजली का बिल कम करना चाहते हैं, वो जो मुकम्मल अपग्रेड रहना चाहते हैं यानी वापटा पर इन्हासार खत्म करना चाहते हैं, मगर मार्केट में कंफ्यूजन बहुत है। हर जगह मुख्तलिफ रेट, मुख्तलिफ ब्रांड और हर दुकान वाला अपनी चीज को सबसे बेहतर कहता है। इसलिए आज मैं आपको साफ और सच्चाई पर मुबनी मालूमात दे रहा हूं ताकि आप बगैर किसी परेशानी के दुरुस्त फैसला कर सकें। सबसे पहले हम आपके साथ सोलर पैनल के ताजा तरीन रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ JM सोलर पैनल के रेट्स शेयर करेंगे। दोस्तों, JM सोलर पैनल का जो आज का रेट है 27 रुपए फी वाट इसका रेट है। इसके अलावा हम बात करेंगे एस्ट्रो एनर्जी की, इसका जो आज का रेट है 29 रुपए फी वाट इसका रेट है। अगर हम रीना सोलर पैनल की बात करें तो दोस्तों 28 रुपए फी वाट इसका रेट है। अलावा हम बात करेंगे फोनो, होशियन और ZN शाइन, ओस्टा, मेसन, इन तमाम के जो आज के रेट है 27 रुपए फी वाट इनके रेट है। ये तमाम पैनल आम घरानों के लिए मुनासिब हैं। अगर आपका बजट महदूद है तो ये पैनल कम खर्च में बेहतरीन नतीजे दे सकते हैं। अब बात करेंगे आला मियार के पैनल की कीमतों की। अगर हम लौकी ही मो X10 की बात करें, इसका जो आज का रेट है 31 रुपए फी वाट इसका रेट है। अगर हम लौकी सिंगल ग्लास की बात करें, इसका जो आज का रेट है 28 रुपए फी वाट इसका रेट है। इसके अलावा हम बात करेंगे जिंको ट्रीना कैनेडियन सोलर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, इनका जो आज का रेट है 29 रुपए से लेकर 33 रुपए फी वाट इनका रेट है। ये ए ग्रेड पैनल हैं, इनकी कारगर्दगी लंबे वक्त तक बरकरार रहती है और खासकर उन इलाकों में मुफीद होते हैं जहां सूरज की रोशनी कम आती है। ये सिस्टम पर लोड ज्यादा हो, सोलर सिस्टम का इंतखाब कैसे करें? अगर आप एक आम सा घर चला रहे हैं जिसमें पंखे, लाइट्स, फ्रिज और एक अदद मोटर है तो आपके लिए 3 से 5 किलोवाट का सिस्टम काफी है। अगर आपका बजट महदूद है तो 27 रुपए से 29 रुपए फी वाट वाले पैनल्स आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में बार बार सिस्टम ना बदलना पड़े और एक बार लगाकर 10 साल सुकून में गुजारे तो फिर लॉन्जी, जिंको और कैनेडियन टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाले पैनल्स बेहतरीन रहेंगे। अब एक जरूरी मशवरा, एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि सिर्फ रेट देखकर फैसला करते हैं। याद रखें, सस्ते पैनल फौरी फायदा देते हैं लेकिन महंगे पैनल लंबे अरसे का सुकून देते हैं। अगर आप चाहें तो इब्तदाई तौर पर दरमियाने मियार के पैनल से शुरुआत करें और बाद में बिजली बचाकर बेहतर पैनल पर अपग्रेड करें। दोस्तों, ये था आज का तफसीली सोलर पैनल का जायजा। हमने ना सिर्फ आपको ताजा तरीन रेट्स बताए बल्कि आपको वो सच बताया जो मार्केट में हर कोई नहीं बताता। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, शायद किसी और का फायदा भी हो सके। अगर आप किसी खास ब्रांड, मुकम्मल सोलर सिस्टम या फिर इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अल्लाह करे आपका घर, आपकी जिंदगी और आपका बजट तीनों रोशन रहे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ।